हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए Q&A वीडियो लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो में आपने जो भी कमेंट किया है, आपने जो भी सवाल किया है, उसका जवाब जो है हम आपको इस भर्ती के बारे में देने वाले हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UP SSC एंड भर्ती 2024। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से 5272 पदों पर एंडम नर्स या फिर हेल्थ वर्कर या फिर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जो है परमानेंट भर्ती आ चुकी है। बिल्कुल सरकारी नौकरी है और इसके लिए बता दें तो 28 अक्टूबर से ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और आप लोग जो है 27 नवंबर तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों, मैंने जो है फुल नोटिफिकेशन की वीडियो बना दी है, 3000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, उस वीडियो को जाकर आप लोग देख सकती हो। सिलेबस की भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, यानी कि इस भर्ती से रिलेटेड यहाँ पे दो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, चैनल पर मिल जाएगी। यह वीडियो जो है Q&A के ऊपर है, इसमें जो भी आपने क्वेश्चंस किया है, जो भी आपने सवाल किया है, उसका जवाब जो है हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल प्रूफ के साथ जो है देने वाले हैं। आपको बता दें, देखिए भर्ती आ चुकी है, 28 अक्टूबर से ऑनलाइन शुरू होगी। तो दोस्तों, पैट 2023 में कितने नंबर होने चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, इसकी जानकारी सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। यानी कि पैट 2023 में आपके कितने नंबर होने चाहिए इसकी जानकारी देंगे। अगर पैट में जो है 0 नंबर है या पैट 2023 में नेगेटिव मार्किंग है तो आप लोग क्या फॉर्म भर सकती हो या नहीं, इसकी जानकारी देंगे। पैट 2023 नहीं दिया है, क्या आप लोग फॉर्म भर सकती हो, इसकी जानकारी देंगे। पैट में जो है पैट 2021 दिया है, क्या फॉर्म भर सकती हो। पैट 2022 दिया है लेकिन पैट 2023 नहीं दिया है, क्या फॉर्म भर सकती हो या नहीं, इसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा PET पैट, पैट में जो है 0.5 मार्क्स है, 1 मार्क्स है, 2 मार्क्स है, 5 नंबर है, 3 नंबर है, 1 नंबर है, आधा नंबर है या फिर 10 नंबर है, 8 नंबर है, क्या फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, इसकी जानकारी देंगे। क्या जिनके पास है एंडम के पद पर संविदा एक्सपीरियंस है उनको बोनस नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसकी जानकारी देंगे। अगर संविदा एक्सपीरियंस के तौर पर अगर बोनस मार्क्स मिलेंगे तो 1 साल के एक्सपीरियंस पर कितने नंबर मिलेंगे, 2 साल के एक्सपीरियंस पर कितने नंबर मिलेंगे, और ये जो बोनस नंबर मिलेंगे संविदा पर, ये जो नंबर है क्या मेरिट में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, इसकी जानकारी देंगे। पेट नहीं है, क्या बिना पेट के फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, इसकी जानकारी देंगे। एंडम फाइनल ईयर है, क्या फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, और इसी अक्टूबर में जो है 22-23 अक्टूबर के आसपास एंडम का जो है फाइनल ईयर एग्ज़ाम है, क्या इस फाइनल ईयर एग्ज़ाम देने के बाद क्या फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, इसकी जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सभी सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में मिलने वाली है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आ चुकी है, बिल्कुल परमानेंट सरकारी नौकरी है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर, आपको लेके चलेंगे फुल नोटिफिकेशन पर। उसमें जो है पेट से रिलेटेड यहाँ पर एक जानकारी दी गई है, उसे बताएंगे, फिर जो भी आपने सवाल किया है, जो भी आपके क्वेश्चन है, उसका जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो फुल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग जो है वेबसाइट पर जाके इस विज्ञापन को देख पाएंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 11, परीक्षा ऑब्लिक 2024, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट 2023/11, 28 अक्टूबर से ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और आप लोग 27 नवम्बर तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बोला गया है साफ साफ, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला एंडम महिला मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट 2023/11 हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 PET 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 पेट 2023 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में वास्तविक स्कोर या नॉर्मलाइज स्कोर में शून्य या उससे कम नेगेटिव अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जो है मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, साफ साफ बताया गया है। तो अब चलिए मैं जो भी आपके सवाल है उसका जवाब दे देता हूँ। देखिए प्यारे दोस्तों, जो विज्ञापन में जानकारी पब्लिश की गई है यानी कि जो ऑफिशियल जानकारी यहाँ पे पब्लिश की गई है उसके अनुसार मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए पैट 2023 में कितने नंबर होने चाहिए, तो पैट 2023 में अगर आपके आधे नंबर यानी 0.5 मार्क्स है या 0.1 मार्क्स है या फिर एक नंबर है, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। अगर पैट 2023 में जीरो नंबर है तो आप लोग फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर पैट 2023 में नेगेटिव मार्क्स है यानी कि -1 मार्क्स है, -2 मार्क्स है या माइनस में कोई आपका मार्क्स है या फिर जीरो मार्क्स है तो आप लोग जो है इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपने पैट 2021 पेपर दिया है, अगर आपने जो है पैट 2021 एग्ज़ाम दिया है, पैट 2021 एग्ज़ाम दिया है, पैट 2022 एग्ज़ाम दिया है लेकिन पैट 2023 एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अगर आपने जो है 2021 पैट एग्ज़ाम नहीं दिया है, पैट 2022 एग्ज़ाम नहीं दिया लेकिन आपने जो है पैट PET 2023 एग्ज़ाम दिया है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। बाकी पैट में जो है जीरो नंबर है तो क्या फॉर्म भर सकते हो, बिल्कुल आप लोग फॉर्म जो है भर पाएंगे। पैट 2023 नहीं दिया क्या फॉर्म भर सकते हो, नहीं आप लोग फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर PET पैट 2023 नहीं दिया है तो आप लोग फॉर्म नहीं भर पाओगे। क्या संविदा एक्सपीरियंस को बोनस नंबर मिलेंगे, तो जी हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास NM के पद पर संविदा एक्सपीरियंस है तो आपको जो है एक साल के लिए तीन नंबर दिए जाएंगे। अगर दो साल का संविदा एक्सपीरियंस है, संविदा अनुभव है, तो आपको छः नंबर दिए जाएंगे। तीन साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 9 नंबर दिए जाएंगे। चार साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 12 नंबर दिए जाएंगे। कम से कम एक साल का एक्सपीरियंस है तो 3 नंबर दिए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है संविदा पर तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। इससे ज़्यादा नंबर आपको नहीं मिलेंगे, कम से कम 3 नंबर मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 नंबर मिलेंगे। ये जो आपको एक्सपीरियंस के संविदा पर बोनस नंबर मिलेंगे, ये जो आपके मार्क्स है नंबर है आपके मेरिट में जो है जुड़ेंगे, आपके मेरिट में यहाँ पे जुड़ेंगे तो काफ़ी बेनिफिट आपको होने वाला है। इसके अलावा पैट नहीं है क्या बिना पैट के आप लोग फॉर्म भर सकते हो, तो बिल्कुल नहीं, बिना पैट के आप लोग फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर आपने पैट 2023 एग्ज़ाम दिया है तभी आप लोग इस फॉर्म को भर पाओगे और बिना पैट के आप लोग फॉर्म जो है नहीं भर पाओगे, याद रखिए। बाकी NM फाइनल ईयर है क्या फॉर्म भर सकते हो, तो बिल्कुल नहीं, आप लोग फॉर्म जो है नहीं भर पाओगे। 27 नवंबर से पहले अगर आपका फाइनल ईयर एग्ज़ाम हो चुका है NM का, तो 27 नवंबर से पहले अगर आप लोगों का जो रिजल्ट आ जाता है फाइनल ईयर का तो आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा अभी मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर 22-23 के आसपास 22-23 अक्टूबर को मेरा पेपर होगा NM फाइनल ईयर का, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ, तो आपको बता दूँ अगर आपका 22-23 अक्टूबर के आसपास NM फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है तो 27 नवंबर से पहले अगर आप लोगों का जो रिजल्ट है आ जाता है तो आप लोग इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर पाओगे। यानी कि NM का जो रिजल्ट है 27 नवंबर से पहले आना चाहिए तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। बाकी मैंने एक एक पॉइंट की जानकारी यहाँ पे दे दी है। धन्यवाद।